फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सुषमा की रसोई में। आज लेके आई हूँ मैं गुड़ वाले चावल, जो खाने में बहुत ही स्वाद लगते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसे बच्चे तो बच्चे, बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 200 ग्राम चावल लिए हैं और 150 ग्राम गुड़ लिया है। और चलो देर न करते इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक कुकर में हम देसी घी डालेंगे 2 चम्मच और साथ में डालेंगे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट, थोड़े से बादाम, काजू और नारियल लिया, ड्राई नारियल लेंगे, सूखा नारियल। इसे हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। ड्राई फ्रूट हमारा फ्राई हो चुका था हल्का सा, इसलिए हमने इसमें अब 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे और साथ में डालेंगे गुड़ और इसे हम 1 से 2 उबाले आने तक इसी तरह से पकाएंगे ताकि जो गुड़ है हमारा अच्छी तरह से पिघल जाए। गुड़ हमारा अच्छी तरह से पिघल चुका है, ये देखिए। और इसे हम डालेंगे सोगी। सोगी हमने पहले इसलिए डाली थी क्योंकि ये फूल जाती है, इसलिए अब डाल रहे हैं हम इसमें। और चावल मैंने 2-3 पानी से अच्छी तरह से धो लिए हैं और इसमें अब ऐड करेंगे चावल। और इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसे हम 4 से 5 सीटी आने तक अच्छी तरह से पका लेंगे। 2 से 3 सीटी हमारी लग चुकी है, कुकर हम देख लेंगे खोल के। देखिए कितने स्वादिष्ट चावल बने हैं हमारे। अब इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे। गुड़ वाले चावल बनकर हमारे रेडी है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।